नमस्कार, न्यूज 1/11 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती बाला। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के शिवहर जिले के हरनाही में भीषण आग लगने से एक बच्ची और 6 मवेशी समेत 12 घर जलकर राख हो गए। फिलहाल प्रशासन ने आग में जली बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरा के रेलवे स्टेशन के निकट काउंटर में एकाएक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ड्यूटी पर लेट से पहुंचने को लेकर दो स्टाफ आपस में भिड़ गए, जहां एक ने डंडे से वार कर दूसरे का सर फोड़ दिया। वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतास जिले के तिलौथू इलाके की रहने वाली एक दलित महिला ने अपने पड़ोसी पर कट्टे का भय दिखाकर छेड़खानी करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत करने महिला थाने पहुंची तो पुलिसकर्मी ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया है। सर, उसका 3 गो बहनोई था, 2 गो सार था, वो छेड़खानी किया, घीच तीर के हम लोग का घर में ले जा रहा था। हम चिल्लाए तो कोई आदमी आया तो हम लोग का जान बचा, इज्जत भी बचा। थाने में आपका केस नहीं लिया गया इंद्रपुरी थाने में? सर, वो कह रहा थी जहाँ बुझा तहाँ जाओ। आप समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र और सगरा में आग लग जाने से दर्जनों घर जलकर राख हो गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, पर गरिमत रही कि लोगों ने आग पर काबू पा लिया। मधुबनी रेल पीपी अध्यक्ष के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान एक युवक को रेलवे प्लेटफॉर्म से संदिग्ध अवस्था में नशीली दवाइयों से भरी एक बैग के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।